अलग अलग तरह की फिल्में, हर फिल्मों में एक सोशल मैसेज, हर फिल्म जो हो जाए दिल के करीब, ऐसी फिल्मों को डायरेक्ट करने में महारत हासिल है राजकुमार हिरानी का। एक ऐसे डायरेक्टर जो अपनी फिल्मों में अपने बेहतरीन एक्सपेरिमेंट के लिए जाने और पहचाने जाते हैं। जानते हैं राजकुमार हिरानी की कुछ अनसुनी कहानियां उनकी इस बायोग्राफी में। राजकुमार हिरानी उर्फ राजू हिरानी भारतीय फिल्म निदेशक, स्क्रीन राइटर और फिल्म एडिटर हैं, जो कि मुन्ना भाई MBBS, लगी रहो मुन्ना भाई, थ्री इडियट्स, PK और संजू जैसी सुपर डुपर हिट फिल्मों की वजह से जाने जाते हैं। इन सभी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया, कमाल कर दिया इन सभी फिल्मों ने। अपनी बेहतरीन फिल्मों से उन्होंने कई बार कई पुरस्कार जीते। उनकी फिल्मों की खास बात यह होती है कि उनकी फिल्में बहुत मनोरंजक होती हैं। इसके अलावा जो बेहतरीन होती है वो है उनका सोशल मैसेज और सभी के दिल को बहुत ही आसानी से छू जाती हैं। हिरानी का जन्म नागपुर में एक सिंधी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम सुरेश हिरानी है। जब सुरेश हिरानी 14 साल के थे तब भारत के विभाजन के दौरान हिरानी परिवार मेहरापुर सिंध, जो कि अब पाकिस्तान कास का हिस्सा है, से भारत आ गया। राजकुमार की पढ़ाई सेंट फ्रांसिस डिसेल्स हाई स्कूल नागपुर महाराष्ट्र से हुई थी। उन्होंने कॉमर्स में अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। उनका परिवार उन्हें चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में देखना चाहता था, लेकिन उनका झुकाव थिएटर फिल्म्स की तरफ था। राजकुमार अपने पिता के बिजनेस में मदद करते थे, लेकिन वो हिंदी फिल्मों में अभिनेता बनना चाहते थे। कॉलेज के दिनों में वो हिंदी थिएटर में शामिल होते थे। बाद में उन्हें फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे से एडिटिंग का कोर्स किया। उनकी शादी मंजीत हिरानी से हुई, जिनसे उनका एक बेटा है जिनका नाम वीर हिरानी है। राजकुमार हिरानी ने कई सालों तक फिल्म एडिटर के तौर पर अपना भाग्य आजमाया। इस दौरान हुए उनके बुरे अनुभवों में उन्हें विज्ञापन की तरफ रुख करने को मजबूर किया और एडवर्टाइजिंग फिल्मों में उन्होंने अपने को निर्माता निर्देशक के तौर पर स्थापित किया। वो फेविकोल के विज्ञापन में भी नजर आए थे। उन्होंने एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में अच्छा काम किया, लेकिन उन्हें तो फिल्म बनानी थी। इस वजह से उन्होंने विज्ञापनों से ब्रेक ले लिया और विधु विनोद चोपड़ा के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने 1942 अ लव स्टोरी के प्रोमो और ट्रेलर पर काफी काम किया। उन्होंने फिल्म करीब के प्रोमोस को भी एडिट किया। उन्हें पहला बड़ा मौका तब मिला जब उन्होंने फिल्म मिशन कश्मीर के लिए फिल्म एडिटर के तौर पर काम किया। निर्देशक के तौर पर उनकी पहली फिल्म मुन्ना भाई MBBS थी, जिसे बहुत बड़ी सफलता मिली। भारत के साथ साथ ये फिल्म विदेशों में भी सुपर डुपर हिट हो गई। इसके बाद उन्होंने इसी फिल्म का सीक्वल लगे रहो मुन्ना भाई बनाया, जिसने एक बार फिर सभी का दिल जीता और फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की। इस फिल्म का भारत में इतना ज्यादा प्रभाव दिखा और इसने गांधीवाद को और भी पॉपुलर बना दिया और सभी गांधीगिरी करने लगे। फिल्म को आलोचकों के साथ साथ जनता ने भी काफी पसंद किया और बस इसके बाद आई थ्री इडियट्स और इस फिल्म ने भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस फिल्म ने हिंदी सिनेमा के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और फिल्म ने भारत के साथ साथ विदेशी मार्केट में भी अच्छी खासी कमाई की। इसके बाद आई फिल्म PK ने भी बॉक्स ऑफिस पर बहुत तगड़ी कमाई की। बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़े PK ने। PK को बहुत पसंद किया गया। उनकी फिल्मों की खासियत है कि उनकी अभी तक की सभी फिल्में सुपर डुपर हिट रही हैं, साथ ही जबरदस्त रिकॉर्ड बनाया है बॉक्स ऑफिस पर। 1942 ए लव स्टोरी, करीब, मिशन कश्मीर, मुन्ना भाई MBBS, लगे रहो मुन्ना भाई, थ्री इडियट्स, PK और इस साल संजू ने रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी हासिल की। राजकुमार हिरानी की एक बेहतरीन फिल्मों में से बन गई संजू भी, जिसने इस साल सफलता के कई रिकॉर्ड्स तोड़े। राजू हिरानी के पास 4 राष्ट्रीय पुरस्कार हैं, उनके खाते में 11 फिल्मफेयर पुरस्कार शामिल हैं। तो ये हैं राजकुमार हिरानी की कुछ अनसुनी कहानियां। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।